I am back with my new topic that is how spherical mirrors form images. So, सबसे पहले बात है आपको अगर मैंने प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी हो तो हमने पढ़ा था उसमें स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होती हैं और वो रियल और वर्चुअल इमेजेस कैसे फॉर्म करते हैं. बट अगर हम यहाँ देखेंगे कि बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स में इमेज जो बनती है उसमें ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, मतलब हमें कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहिए, उसके रिस्पेक्टिवली इमेजेस कहाँ कहाँ आएंगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज़ इन डायग्राम्स को आप अच्छे से देखिएगा. अगर आपको याद हो आपने अच्छे से समझा हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन करा था जो आउटवर्ड हम ड्रॉ करते हैं जो थोड़ा सा मोटू होता है, दिस इज द कॉनकेव मिरर आई रॉड. ध्यान से इनको इंट्रोस्पेक्शन करिए इन सब फिगर्स की. आप वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करा. ध्यान से देखिएगा, जब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बियॉन्ड इसको प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को, पहली चीज जब भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, आपको याद होगा दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द पोल. और जब भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो जिस भी पॉइंट को क्रॉस करेगी दैट वुड बी द फोकस. दीज आर हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ द ऑप्टिक्स. सेकेंडली, व्हेनेवर लाइट क्रॉसेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने पहले भी पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑलवेज एक्ट एज अ नॉर्मल. सो जैसे वो नॉर्मल से लाइट जाएगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वैसे ही वापस आएगी. इसका मतलब जिस पॉइंट पे भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे दो रेज के दैट विल फॉर्म द इमेज, और वहाँ पे इमेज बन गई. और अगर याद हो आपको जो मैंने कहा था रियल इमेज की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो वो मिरर के फ्रंट साइड पे बनती है, बन गई, और सेकेंडली वो इन्वर्टेड होगी और वो भी हो गई. इट मीन्स दिस इज जब भी हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस से बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो इमेज ऑलवेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के इन बिटवीन आएगी और वो रियल होगी एज वेल एज इन्वर्टेड. बट एक चीज़ और, अगर आप एनालिसिस कर पाए अच्छे से तो मैंने ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा लिया है और इमेज उसके कंपैरेटिवली मुझे स्मॉल मिली. सेकेंड फिगर में हमने क्या ऑब्जर्व करा, मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा के थोड़ा सा आगे कर दिया, मतलब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया. जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, पहली रे मैंने पास करवाई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलर लाइक दिस, इट पासिस द फोकस, इट पासिस द फोकस. उसके बाद मैंने एक पैरेलल प्रिंट था फोकस के पैरेलल, फोकस के पॉइंट से पैरेलल क्रॉस करवाई लाइन. और एक चीज़ आप याद रखना, जब भी वो वहाँ से क्रॉस करेगी दे विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. उल्टा होता है जब कोई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और जिस पॉइंट से अगर वो क्रॉस करिए वो पॉइंट अगर फोकस है तो उल्टा ही सेम होगा कि अगर वो फोकस से क्रॉस करिए तो कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दे मीट एट ए पॉइंट, और वो पॉइंट पे हमने क्या बना दी, इन्वर्टेड इमेज. इसका मतलब मुझे क्या पता लगा यहाँ से, जब भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे मिलेगी तो हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज, बट एक एडिशन हो गई यहाँ पे, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का भी साइज है. सो फर्क नजर आ गया, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था तो इमेज छोटी आ रही थी, जब सेम साइज हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी तो सेम साइज की इमेज डेवलप हो गई. थर्ड केस पे अगर हम आते हैं, अब हमने थोड़ा सा और आगे कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से उठा के भी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट कर दिया. जब हमने इसके आगे शिफ्ट करा तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस को क्रॉस करेगी. सेकेंड वाली जस्ट मैंने यूं ही एक्सपोज कर लिया कि लाइट ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी, एक लाइन मैंने वो भी ड्रॉ कर दी. जब मैंने ये सब कुछ ड्रॉ करके इन लोगों को मीट करवाया तो इट विल मीट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर आप एनालिसिस कर पाओ तो ये कुछ ऐसा वाला केस हो जाएगा कि अगर हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इसका रिवर्सल केस मैंने ये ड्रॉ करा. रिवर्सल कैसे बना, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनी है, तो इसका उल्टा आ गया ना. तो इस केस में अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड था तो यहाँ इमेज बियॉन्ड बनी. सो दीज आर द रेसिप्रोकल केसेस टू ईच अदर. और जहाँ पे इमेज बनी दैट इज द फ्रंट साइड ऑफ द मिरर. सो अल्टीमेटली ये भी रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है. बट एक और प्रॉपर्टी है, पैटर्न कर लीजिए, ऑब्जेक्ट हमने कितना छोटा लिया बट इमेज हमें कितनी बड़ी मिल रही है. सिमिलरली पर यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ उल्टा था, ऑब्जेक्ट बड़ा था बट इमेज छोटी थी. सो हो गया अल्टीमेटली हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वर्स केस. फोर्थ वाला केस हमने क्या पढ़ा, मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के फोकस के और पास कर दिया, जब वो फोकस के और पास हो गया तो ऑब्वियसली बात है वो पहली लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस तो क्रॉस करेगी. सेकंड मैंने सिर्फ एग्जामिन करके देखा कि मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई वैसे ही वापस आ गई, दे विल नेवर मीट एट ए पॉइंट. सो हम क्या कहेंगे, दे विल फॉर्म द इमेज एट इन्फिनिटी. नाउ द फिफ्थ केस, फिफ्थ केस इज व्हाट, मैंने थोड़ा सा और आगे कर दिया ऑब्जेक्ट को, मैंने फोकस और पोल के
इन बिटवीन प्लेस करा। बट एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी ऑब्जेक्ट को फोकस से ज्यादा दूर मत करना। जब भी हमने सी और एफ के इन बिटवीन रखना है तब भी हमने फोकस के पास ही रखना ऑब्जेक्ट। जब भी हमने फोकस और पोल के इन बिटवीन रखना है तब भी हमने फोकस के पास ही रखना ऑब्जेक्ट। दीज आर बेसिक लूप होल्स टू ड्रॉ द ऑप्टिक्स फिगर। सो इस चीज को ऑलवेज माइंड में रखिएगा। पहली लाइन मैंने ड्रॉ करी जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो ऑब्वियसली बात उसने फोकस तो क्रॉस करना था। सेकंड मैंने पोल पे उसको फॉल करवाया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पोल पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उसने क्या फॉलो करना है बस वो पोल पे जाएगी और किसी भी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। मुझे आगे तो ये कहीं पे भी मिलती नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए आई मेक इट बैक साइड। और वहाँ पे हमें अगर मिरर की बैक साइड बिहाइंड पे कोई इमेज क्रिएट हो रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर द वर्चुअल इमेजेस। दिस इज द ओनली केस, और आपको प्लीज इसको याद करना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, कि हमें कहाँ पे जाके इन्वर्टेड इमेज कहाँ पे जाके वर्चुअल इमेजेस बनती हैं। दिस इज ओनली केस जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के इन बिटवीन प्लेस करा। दिस इज द ओनली केस जब कनकेव मिरर हमें वर्चुअल इमेज देगा। एंड लास्ट केस इज द when the लाइट इज कमिंग फ्रॉम सर्टन पॉइंट, कहीं से आ रही है मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है। दिस इज द इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है, ऑब्वियसली बात है लाइट स्ट्राइक करेगी वापस आएगी एक पॉइंट पे मीट करेगी। ये डायग्राम हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करी थी, और फोकस पे लाइट ऑलवेज मीट हो जाएगी। हमें नो डाउट, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसी इमेज पे क्रिएट होगी, होगी इमेज पर बहुत स्मॉल डायमेंशंस की होगी और दैट वुड बी अ पॉइंट इमेज क्रिएट होगी। सो पॉइंट इमेजेस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते क्या मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताए हुए हैं, प्लीज़ आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा एंड वी गेट अ पॉइंट इमेज। इसी सबको मैंने ब्रीफली से छोटा सा एक टेबल बनाया है, आई होप आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा ये टेबल। जब मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे तो मुझे बड़ा कन्वीनियंट लगा था, सो आई होप आपको भी लगेगा, विच आई मेड बाय माय ओन सेल्फ। ओके, वेरी फर्स्ट मान लीजिए ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बियॉन्ड पड़ा है। अगर आप मेरे साथ साथ डायग्राम्स नोट डाउन करते हो तो मैंने अपनी प्रीवियस अभी बनाया है तो आपको मैंने दिखाया था जब सी और एफ के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट था, इमेज बन रही थी सी और एफ के इन बिटवीन, और उस केस में हमने ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा लिया था, इमेज हमें इन्वर्टेड मिली थी। जब भी इन्वर्टेड इमेज होगी मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि वो रियल है, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। सेकेंड, मैंने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रखा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मुझे इमेज मिल गई, जितने साइज का मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट लिया था उतने ही साइज की इमेज मिल गई, कोई वेरिएशन नहीं थी इसमें। थर्ड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बिटवीन मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो बियॉन्ड मुझे उसकी इमेज मिली, और अगर छोटा सा ऑब्जेक्ट था तो इमेज बहुत बड़ी मिली थी मुझे। बट उस केस में भी इन्वर्टेड, इसका मतलब वो रियल केस चल रहा है। उसका फोर्थ केस था, अगर फोकस के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी पे मुझे इमेज मिली, इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे इतने साइज का रखा तो मुझे पता ही नहीं इमेज मुझे कितनी मिली। अगर आप नोटिस कर पाओ ना, कुछ कुछ केसेस रिवर्सल है, मैं आपको बाद में समझाती हूँ लास्ट में। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे कर दिया फोकस और पोल के इन बिटवीन, जो मैंने यहीं पे बनाया है, देख लीजिए इमेज बनी बिहाइंड मिरर, बन गई। मैंने छोटा ऑब्जेक्ट लिया था, मैंने ऑब्जेक्ट का साइज छोटा लिया, इमेज मुझे बड़े साइज की मिल गई, इरेक्ट मिली सेम, तो दिस इज अ वर्चुअल केस। इसी को मैंने कंपाइल करके लैंग्वेज में लिखा है। एंड द लास्ट केस इज दिस, ऑब्जेक्ट मैं इन्फिनिटी से लेके आ रही हूँ, इमेज मेरी फोकस पे बन रही है और बहुत छोटी इमेज बनेगी, सो इट वुड बी अ पॉइंट इमेज। अगर आप नोटिस कर सको, सबसे पहले सेकेंड और थर्ड केस, सॉरी फर्स्ट और थर्ड केस उल्टा है। सी और एफ बिटवीन अगर इमेज है, सी एंड एफ बिटवीन ऑब्जेक्ट हो गया, सी एंड एफ बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज सी एंड एफ बियॉन्ड। और अगर आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा है इमेज बड़ी है, फर्स्ट रिवर्सल केस। अगर आप उसके बाद सेकेंड नोटिस करिए, दिस इज एंड दिस वन, फोर्थ एंड सिक्स्थ, कैसे अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनी है। सो यू कैन एनालिसिस फ्रॉम हेयर कि व्हाट इज द रूल बिहाइंड इट। आई होप आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला हो, कुछ नया सीखने के लिए मिला हो। अगर आपको कुछ अच्छा मिला है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।